हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। दोस्तों, दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो गया है। रशिया की सेचिनोव यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया है। इस यूनिवर्सिटी के मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टर वेडिम टारासोव ने बताया कि यह वैक्सीन बनकर तैयार है और सभी ह्यूमन ट्रायल्स भी सक्सेसफुल रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने वॉलंटियर्स पे 18 जून से ट्रायल करना स्टार्ट किया था और 20 जुलाई को ये सभी वॉलंटियर्स को रिलीज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये क्लेम सच हैं तो कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट में रशिया सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि अभी तक किसी और वैक्सीन का ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। चाइना, अमेरिका और दूसरे देशों की वैक्सीन ट्रायल अभी सेकेंड या थर्ड फेज में है। तो दोस्तों, अगर ये सभी क्लेम सच्चे हैं तो कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन होने वाली है। वैसे तो लगभग 89 कंपनीज वैक्सीन बनाने में लगी हैं, लेकिन 21 कंपनी अभी लीड कर रही हैं और WHO की इन सभी कंपनी पर तीखी नज़र है। अभी तक का तो दोस्तों यही लग रहा है कि रशिया ने बाजी मार दी है। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि कोविड-19 जैसा पेंडेमिक बिना वैक्सीन के तो जाने नहीं वाला। अभी पूरी दुनिया में 1,30,00,000 से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और लगभग 5.5 लाख लोगों की डेथ हो गई है। तो इस वैक्सीन के आने से कुछ तो राहत मिलेगी। वैक्सीन बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। नॉर्मली वैक्सीन डेवलपमेंट में 10 साल तक लग जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों की तो वैक्सीन भी नहीं बन पाती। जैसे HIV जैसे डिजीज़ की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है और ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक इसकी वैक्सीन बनेगी। और आज तक जो सबसे तेज वैक्सीन बनी थी वो थी मम्स की, उसमें भी दोस्तों 5 साल लग गए थे। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मली वैक्सीन बनाने में 6 से 7 साल लग जाते हैं, तो कोरोना वायरस की वैक्सीन इतने जल्दी कैसे बन गई, अगर बनी है तो। फ्रेंड्स, किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट में जो पहला ट्रायल होता है वो जानवरों पर किया जाता है, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन सीधे ह्यूमन पर ट्राई की जा रही है और वैक्सीन का बिहेवियर सभी पेशेंट पर देखा जाता है, जैसे कि हार्ट पेशेंट, BP पेशेंट और लगभग हर कंडीशन पर टेस्ट किया जाता है। लेकिन कोविड-19 वैक्सीन सिर्फ इम्पॉर्टेंट केसेस पे ही टेस्ट की जा रही है, इससे भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है। सेकेंडली, कोरोना वायरस वैक्सीन एक एलिक्सियर की तरह होने वाली है। जो भी इसे बनाएगा वो तो मालामाल होने वाला है दोस्तों। तभी हर कोई वैक्सीन बनाने में लगा है। हमारे बाबा रामदेव को ही देख लो, पिछले बार इन्होंने कितनी खतरनाक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करी थी। दोस्तों, मैंने भी वीडियो बनाई थी इनकी जो मेडिसिन थी, अब तो मैं नाम भी नहीं लूँगा उसका। मैंने 2 बार वीडियो अपलोड करी और दोनों बार यूट्यूब ने डिलीट कर दी। ये मेल कर देते हैं कि यूट्यूब की आपका जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट है। मुझे तो समझ नहीं आता, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने वीडियो बनाई थी उस दवाई पे, चाहे वो लल्लन टॉप हो, इंडिया TV हो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन पता नहीं मुझ छोटे से क्रिएटर से यूट्यूब को क्या दिक्कत होती है। इनका एल्गोरिदम मेरे तो समझ से परे है। आप इस वीडियो को देखना और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।